अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल। चिकन मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन, रिफाइन ऑयल, 4 बड़े साइज की प्याज को लेकर बारीक काट के रख लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टीस्पून अपना होममेड गरम मसाला, तकरीबन 200 ग्राम दही को मैंने फेंट कर इस तरीके से बाउल में रख लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जर्द रंग, 3 छोटी इलायची, 1 बाउल में ताल मखाना जो आप देख सकते हैं, तकरीबन 25 से 30 काजू के बड़े पीस मैंने लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिया है स्मोक के लिए कोयला, बटर। अब हम चिकन को मैरिनेट करने जा रहे हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने जो नमक, मिर्चा, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और जर्द रंग का यूज़ करूँगी। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नमक, मिर्च और अदरक लहसुन अब ग्रेवी में ऐड नहीं होगा। जितना मैंने यूज़ किया था सब हम इस मैरिनेट चिकन में डाल देंगे। अब हम चिकन में इन चीज़ों को मिक्स करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जर्द रंग, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये दही। अब हम इसको इस तरीके से हाथ से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हाथ से मिक्स करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए, इसको इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। चिकन में मैंने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम ग्रेवी के लिए प्याज फ्राई करने जा रहे हैं। प्याज को डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर पहले से रख दिया है। पैन गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज को डीप फ्राई करने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये प्याज सब डाल दी है। अब हम बहुत अच्छे तरीके से प्याज को डीप फ्राई करेंगे। प्याज डीप फ्राई हो चुकी है। देखिए, प्याज को हमें इसी तरीके से गोल्डन फ्राई करना है, तभी इसका अच्छा सा पेस्ट आएगा। इसलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करके एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। प्याज को मिक्सर में मैंने पानी डालकर इस तरीके से प्याज का पेस्ट बना लिया है। जिस तरीके से मैंने मिक्सर में प्याज का पेस्ट बनाया है, उसी तरीके से हम ताल मखाना और काजू का भी पेस्ट बनाएंगे। हो चुका है। इसमें हम 1.5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम 3 इलायची डाल देते हैं जो मैंने ली थी। जैसे ही इलायची हो जाती है, हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। ये देखिए, चिकन 2 घंटे तक मैरिनेट मैंने कर लिया है। ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। पूरे चिकन को मैंने इस पैन में डाल दिया है और इसको इस तरीके से चला के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लिड बंद करके हम धीमी फ्लेम पर छोड़ देते हैं, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि चिकन गला है कि नहीं। चिकन देखिए अभी गला नहीं है और चिकन बहुत पानी छोड़ रहा है, क्योंकि इसमें दही ऐड था। इसलिए पहले हम इसको फिर लिड बंद करके पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसका पानी भूनेंगे। ये देखिए, चिकन गल गया है और मसाला भी भुन चुका है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे जो मैंने मिक्सर में पीसा था। इसके बाद हम इसमें काजू और ताल मखाने का पेस्ट भी ऐड करेंगे जो मैंने पीस के रखा था। अब हम इसको अच्छे से चिकन में मिक्स कर देंगे और कुछ देर तक भूनेंगे। चिकन अब पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से भून चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपना होममेड गरम मसाला डालेंगे, जिसकी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बताई थी, और कसूरी मेथी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। और फिर इसको 2-4 चम्मच इस तरीके से चलाएंगे। उसके बाद हम इसको गैस की धीमी फ्लेम करके तकरीबन 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, चिकन पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें
लकड़ी के कोयले का स्मोक देंगे, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। कोयले को हमने गैस पर जला लिया है। अब हम इस कोयले को कटोरी में रख देते हैं। उसके बाद हम इसको पैन में रखकर इस पे थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बटर या ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब हम लिड को बंद करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसकी स्मोक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चिकन में। 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम इस कटोरी को बाहर निकाल लेंगे और चिकन को सर्विंग बाउल में निकालेंगे। मसाला चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है। मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको पतली चपाती के साथ खाएं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो प्लीज आप मेरी मसाला चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।